सुनने में आता है कि बिटकॉइन भाई हमारे हाथ से निकल चुका है, अभी इथेरियम को बाय करना मुश्किल है और बीएनबी कॉइन भी हमारे हाथ से निकल चुका है। ये बात वो तमाम लोग करते हैं जिन्होंने बिटकॉइन को $5,000, बीएनबी को $15 और इथेरियम को $40-50 पे देखा हुआ है, तो उन्हें आज ये प्राइस जो है बहुत ज्यादा लगती है। यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहूंगा कि आने वाले 1 से 2 साल में बिटकॉइन अपनी उस वैल्यू पे होगा, उस प्राइस पे होगा कि आप लोगों को आज जो इसकी 48,000 प्राइस है ये कुछ भी नहीं लगेगी। और यहीं पे मैं आप लोगों को एक और बात भी बताना चाहूंगा, अगर आप लोगों को ये लगता है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर चुके हैं, आप अगेन ऐसा बेनिफिट हासिल नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा हरगिज नहीं है। आज भी आपको बाइनेंस एक्सचेंज पे या किसी बड़ी एक्सचेंज पे ऐसे कॉइंस मिल जाते हैं जिन्हें आप आज की डेट में होल्ड करते हैं, तो आने वाले 1 से 2 साल में आप लोगों को बीएनबी कॉइन या इथेरियम कॉइन जैसा एक अच्छा स्मार्ट बेनिफिट हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि होल्डिंग की क्या पावर होती है। अगर आप आज भी कुछ कॉइंस को 1 से 2 साल के लिए होल्ड करते हैं तो आप यहाँ से कितना बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, और अगर आप लोगों ने ठीक 9 से 10 माह पहले कुछ कॉइंस को होल्ड किया होता तो आज की रेट में आपने कितने बेनिफिट में होना था। इस तरह की मजीद वीडियोस, फ्री प्रोजेक्ट्स, बुल कॉइंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और फ्री एयरड्रॉप्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाता है। इन केस अगर लिंक पर नहीं करता है तो आप सर्च ऑप्शन में आकर C*512 टाइप करते हैं तो तब भी ये चैनल आपके सामने आ जाता है। तो हम बात शुरू करते हैं डेंट कॉइन के हवाले से। अगर आप यहाँ पे देखें तो जनवरी 2021 में इसका प्राइस था 0.000182। हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमने इसे पास्ट प्राइस पे $500 का भी जस्ट बाय किया था और हम इसे आज की डेट में सेल करते हैं तो हमारे पास कितनी अमाउंट बनती है, तो आपके $500 $17,000 में कन्वर्ट होते हैं। मतलब ये कि $16,500 का आपको ठीक 10 माह में बेनिफिट हो सकता था, मगर सिर्फ उस सूरत में कि अगर आपने इसे होल्ड किया होता, मगर हमने आज की प्राइस पे इसका वैल्यू कैलकुलेट किया है। हमारे पास दूसरा क्वाइन है हॉट क्वाइन, जिसका वैल्यू जनवरी 2021 में था 0.000525। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा होलो चेन का वीडियो नहीं देखा है जो कि हॉट कॉइन से रिगार्डिंग है, इसमें मैंने एक डिवाइस का भी डिस्कस किया है जो कि होलो फ्यूल कॉइन को जनरेट करती है। 1 होलो फ्यूल कॉइन इज इक्वल टू 1 हॉट कॉइन। आप इस वीडियो को भी एक मरतबा लाजमी देख लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि इस साल के एंड पे आपको हॉट कॉइन से कितना बेनिफिट हासिल हो सकता है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे टेट्राहेड्रा का प्रोजेक्ट भी शेयर किया है, आप यहाँ पे भी $1 और $2 की बाइंग लाजमी कीजिए, मगर किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट में सिर्फ वही अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए जो कि आप लॉस की सूरत में अफोर्ड कर सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं हॉट कॉइन की। जैसे कि हमने देखा इसका प्राइस था 0.000555। अगर आप लोगों ने इसे जस्ट $500 का भी बाय किया था और आज की डेट में अगर हम इसका बेनिफिट देखें तो ये $10,000 बनता है। मतलब ये कि $9,500 का यहाँ पे हम बेनिफिट हासिल कर सकते थे, मगर सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में अगर हमने इस कॉइन को होल्ड किया होता। तीसरा कॉइन हमारे पास है सोल कॉइन, जिसे सोलाना भी कहा जाता है। अगर ये कॉइन आपके पोर्टफोलियो में ऐड नहीं है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप अभी भी इसे बाय करके 1 से 2 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं। इसका प्राइस 2021 जनवरी में $1 था जस्ट। अगर आप लोगों ने इसे $1 पे जस्ट $500 का बाय किया होता तो आपके पास 500 सोलाना कॉइन्स आने, और अगर आज की डेट पे आप इसे सेल करते हैं तो ये आपका $46,110 बनता है, जो कि एक अनबिलीवेबल थिंग है कि आपने स्टीक 10 माह पहले अगर सिर्फ और सिर्फ $500 को इन्वेस्ट किया होता तो यहाँ पे हमारे पास $45,500 का बेनिफिट था। तो ये होती है होल्डिंग की पावर। हमारे पास लास्ट कॉइन है वेट कॉइन, जिसे वी चेन भी कहा जाता है। इसका प्राइस 2021 जनवरी में 0.0088 था। अगर आप लोगों ने इसे पास्ट प्राइस पे जस्ट $500 का बाय किया था और आज की डेट में अगर आप इसे सेल करते हैं तो ये आपके $6,864 बनते हैं, जो कि एक अच्छी खासी अमाउंट है सिर्फ और सिर्फ $500 की इन्वेस्टमेंट पे। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप लोगों को होल्डिंग की पावर का पता चल सके। जो कॉइन्स मैंने आप लोगों से अभी डिस्कस किए हैं, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि अभी हम इन कॉइन्स में होल्डिंग नहीं कर सकते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते।
आप लोग यहाँ पे बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सेफ इन्वेस्टमेंट है, मगर आपको इसे होल्ड करना होगा 1 से 2 साल के लिए। पैनिक होकर सेलिंग नहीं करनी है, 10% 20% इवन 100% बेनिफिट पे भी जाकर सेल मत कीजिए, सबर कीजिए, सबर का फल हमेशा मीठा होता है। और अगर आप इसे जल्दी में सेल कर देते हैं तो यकीनी तौर पे आप पछताएंगे। और अभी आपके माइंड में ये होगा कि मेरे पास तो $500 नहीं है, इवन मेरे पास $100 भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। तो आप लोगों के लिए मैंने अपने YouTube चैनल पे बुल क्वाइन से रिगार्डिंग कुछ वीडियोस अपलोड की थी। अगर आप यहाँ पे $10 से $50 की भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक नेक्स्ट बुल रैली का वेट करते हैं तो आपके $10 $1000 में इजीली कन्वर्ट हो सकते हैं, मगर आपको सब्र करना होगा। आप इन वीडियोस को देखेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि बुल क्वाइंस में भी क्या पावर होती है। मगर ये कि बुल क्वाइंस में आप वो अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए जिसे आप होल्डिंग की सूरत में बर्दाश्त कर सकते हैं। बाकी आप मेरी इन 2 वीडियोस को देखेंगे तो आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा। और एंड पे मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि किसी भी किस्म का कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, किसी किस्म की भी कोई गारंटी नहीं है। आपने कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट तभी करना है जब आप दिल से मुतमईन हो, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका ही होगा और लॉस भी आपका ही होगा। ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। क्रिप्टोकरेंसी में अगर बेनिफिट है तो यहाँ पे लॉस भी है, मगर ये कि अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं तो आपका अकाउंट कभी भी वॉच नहीं होता है। आप होल्ड करते हैं तो आपको यहाँ से अगेन इतना बेनिफिट मिल जाता है जिसे आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो मैं आप लोगों को ये नहीं कहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जस्ट मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है मुझे कमेंट में बताइए, सो दैट मुझे पता लगे कि आप लोगों के लिए मैं मज़ीद ऐसी वीडियोस और लेकर आऊँ या ना लेकर आऊँ। तो मुलाकात होती है आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नए प्रोजेक्ट, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए क्योंकि आप किसी की अमानत हैं, दूसरों का भी ख्याल रखिए क्योंकि वो भी किसी की अमानत हैं। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, खुशियाँ मनाते रहिए।